यार रीलू, नाइट्रोजन कितना सैड था ना यार। काश अंकल जी ना जीजा जी को हारमोनियम ठीक कराने के पैसे देते। स्वार्थी गुड़िया, नाइट्रोजन कितना सैड था ना। कभी जीजा जी की शक्ल देखिए, जीजा जी का मतलब मुंह लटक के ना घुटनों तक आ गया था। देखो कभी उन्हें भी देख लिया करो। अच्छा ठीक है इलू, अगर तू चाहती तो मैं जीजा जी की भी परवाह करने लगूंगी। बस सोच ले एक बार। चोटी पकड़ के ना तुझे यमुना नदी में फेंक के आ जाऊंगी। इधर उधर नजरें घुमाएंगे तो ज्यादा हानि तो तुझे पता है। देख पापा ना ऐसा कुआं है जिसमें बहुत पानी है, ओके, लेकिन उस पानी को निकालने ना बस बाल्टी नहीं है। एक कुटी कॉल दे देंगे जीजा जी को, उल्टा कहेंगे हारमोनियम बेच दे थोड़ी आमदनी हो जाएगी। पंचम इलू कोई तरीका नहीं है क्या जिससे हम पिटा भी जीजा जी हेल्प कर सकते हैं। सुन मेरे पास ना 500 होंगे गुल्लक में, तेरे पास कितने? इलू यार मेरे सारे पैसे तो मैं तेरी गुल्लक में डाल दूँ ना। शे इलू सेल्फी। सुन देख कुछ भी करके ना कैसे लेके आना पड़ेंगे 5,000 रुपए कहीं से भी। और क्या है ना सीम, देख यार हाइड्रोजन ना मतलब हारमोनियम के गम में ना किसी गलत आदत में ना पड़ जाए, मैं नहीं चाहती हूँ। तो 5,000 का इंतजाम तो करना पड़ेगा, समझ रही ना तू? भाई साहब शाम में इफ्तारी है, रोजा खोलने का वक्त, बहुत सारे गरीब और मजलूम हैं, उनके खाने का इंतजाम करना है। आपकी थोड़ी सी मदद अल्लाह आपको शबाब देगा। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको रहमत दे, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ समोसे भिजवा दूंगा, हाँ साथ में कथी प्याज की पकौड़ी भी हो जाएंगी, हाँ चटनी भी हो जाएगी, आलू और पकौड़े भी भिजवा दूंगा। हाँ ठीक है हरी एक मिनट सुन, एक मिनट क्या बकवास कर रहा है तू सुबह सुबह और मुझसे बकवास करवा रहा है। कह रहा है ये भिजवा दो वो भिजवा दो, किसी से भिजवा दो। अबे किसी से मैं बम ना भिजवा दूं तेरे लिए जो तेरी कुर्सी के नीचे लगा देगा? बात कर रहा है बेकार की, घटिया आदमी। सेठ जी फिर से बिट्टू हलवाई जी के लिए फोन आया क्या? ये बिट्टू हलवाई कह रहा है मुझे हलवा बनाना पड़ेगा, पता नहीं को मेरा नंबर दे देता है कि आपने अपने ग्राहकों को, बात कर रहा है बेकार की ये। सेठ जी आप कहे तो हम जाके बिट्टू हलवाई जी से एक बारी बात करें। अच्छा मेरी तरफ से तू बात करेगा तो मैं यहाँ क्या कुलचे बेचूंगा यहाँ खड़े होके? बात कर रहा है बेकार की, मैं अपना मामला अपने आप निपटा लूंगा और जिस काम के लिए तुझे रखा है ना वो काम कर पहले, बात मत कर। जी सेठ जी बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी वो हम क्या कह रहे थे वो ना, हमें आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी छोटी सी। दरअसल क्या है ना कि हमें सेठ जी 5,000 रुपए चाहिए थे। क्या कह रहा है कुछ ठीक से ना सुनाई दिया मुझे, ठीक से साफ साफ बोल, साफ साफ कुछ कह रहा था तू 5,000 क्या क्या कह रहा है? हाँ सेठ जी आपने बिल्कुल सही सुना, हमें दरअसल क्या है ना 5,000 रुपए चाहिए थे, बड़े मदद हो जाती। क्या करेगा इतनी बड़ी रकम का, ताजमहल में जाकर चाय पिएगा क्या? नहीं नहीं सेठ जी दरअसल वो क्या है ना कि हमें व्यक्तिगत काम के लिए जरूरत थी, अगर आप दे देते तो बड़ी मेहरबानी हो जाती सेठ जी। अच्छा तो एक काम कर और दूसरे लोगों को बता दे है, मैं सबको पैसे बांट दूंगा यहाँ चल। क्यों सेठ जी? अरे मैंने दान पेटी खोल रखी है, तुझे 5,000 दूंगा, दूसरे लोगों को भी जिनको जरूरत है उनको भी पैसे बांट दूंगा। बात कर रहा है बेकार की, अपनी फिजूल खर्ची पे लगाम लगा। नहीं नहीं सेठ जी बिल्कुल भी फिजूल खर्ची के लिए नहीं है, अब आपसे क्या छुपाना सेठ जी, दरअसल क्या है कि हमारा हारमोनियम खराब हो गया और उसे ठीक कराने के लिए हमें 5,000 रुपए चाहिए, इसलिए हम आपसे मांग रहे थे सेठ जी प्लीज, मतलब देख लीजिए आपकी इच्छा। हारमोनियम किसका सेठ जी? हमारा। खराब किसने किया सेठ जी? हमने। बजाएगा कौन सेठ जी? हम। और खराब होने के बाद उसे ठीक कराने के पैसे कौन देगा सेठ जी? हम। अरे तो मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है, बेकार की बात कर रहा है तू, आइंदा कभी भी ये फिजूल बातें मत करियो मेरे सामने, पर ना ऊपर आके तेरा तबला तोड़ दूंगा। नहीं 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 चाहिए सेठ जी हमें, नहीं चाहिए हम हम हमें ठीक। अपना एक मिनट विक्की, अबे ओए विक्की इसको बड़ा यहाँ पे एक मिनट। आराम से आराम से। हाँ सब ठीक है आराम से। हाँ मैं इसका जो है तबला बजा रहा हूँ अभी, चलो तेरा तबला ना बजाया आज मैंने, हारमोनियम तो इसका खराब हो ही गया है, तेरा तबला भी तोड़ दूंगा बता रहा हूँ मैं। अरे जीजी, ओ जीजी। चटंकी भैया मैं यहाँ हूँ आ जाओ। अरे अरे पगले यहाँ पे काम कर रही है? हाँ। अरे तू यहाँ पे काम क्यों कर रही है भाई, गर्मी में अंदर जाके आराम कर ले। नहीं नहीं छोटंकी भैया अभी इलायची के पापा आएंगे ना तो खाना मांगने लगेंगे। अरे उस बावले की तो भूखे खत्म ना होती कभी।
मेरा कहने का मतलब ये कि मैं बावला थोड़े ना हो रहा हूँ, जीजा की टेंशन मत ले, मैं उसे खाना खिला दूंगा, मैं तू अंदर जाके आराम कर ले, बस थोड़ा तो मैं ये चाह रहा हूँ। अब बता मैंने ऐसा क्या कह दिया तो तू रो रही है भैया? अरे चटंके भैया, ये तो खुशी के आंसू है, मेरे तो भाग्य खुल गए जो मुझे इतना अच्छा भाई मिला है। सो तो है, खुलने से ज्यादा जीजी एक थोड़ा सा काम था तुमसे, वो जीजा की तिजोरी में से एक 5,000 रुपए चाहिए थे हमें। अब फिर रो पड़ी तो भैया, क्या हो गया भैया, ऐसा क्या कह दिया मैंने? मुझे क्या लग रहा है पता है, अभी जो तुम मेरी इतनी फिक्र दिखा रहे थे ना, वो इन 5,000 रुपए के लिए दिखा रहे थे। अरे कैसी बातें कर रही है पगली है, ऐसी बातें करते कोई भैया से? ये भैया तेरे लिए जान दे देगा, जहर खा लूंगा मैं तेरे लिए, बात करना समझ रही तू? सच्ची? अरे कमाल कर दिया, परसों तेरे हाथ के पकौड़े ना खाए थे हमने? अच्छा अच्छा, तू लड़ मत, तू हमें जीजा से 5,000 रुपए दिलवा दे, बस खत्म बात कर। देखो चटंके भैया, बात ऐसी है कि इलायची के पापा है ना, तुम पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करते, अब तुम्हें उनका भरोसा जीतना पड़ेगा, तुम्हें उन्हें ये दिखाना पड़ेगा कि तुम सिर्फ पैसे लेते नहीं हो, देते भी हो। अरे देने के लिए होते तो लेने के लिए क्यों आते छटंकी यार, तुम भी कमाल कर रही हो, हमारे पास कहाँ रखा हुआ है पैसे? अरे तो मेरे पास 10,000 रुपए है ना, मैं देती हूँ। हाँ मैं तुम्हें 10,000 रुपए दूंगी, उसमें से तुम 5,000 रख लो, और 5,000 जो है चुपके से रात में गले में डाल देना, सुबह जब उनको पैसे मिलेंगे तो मैं उनसे बोल दूंगी कि छटंकी भैया ने दिया है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, है? लेकिन एक बात बता, तेरे पास ये 10,000 रुपए कहाँ से आए? चटंकी भैया, और रोज मैं इनके जेब से थोड़े थोड़े जो निकालती ना, वही तो इकट्ठा किए मैंने। चोटी बिल्कुल अपने भैया पे गई है। अरे वाह, जाओ 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 जाओ, आ जा भाई। सेठ जी लगा दिया तूने, ठीक से लगा दिया, एकदम अच्छी तरह लगाया है। जी जी सेठ जी, एकदम अच्छे से लगा दिया सेठ जी, कल खुल तो जाएगा? हाँ सेठ जी, हमेशा की तरह खुल ही जाना चाहिए। खुल जाएगा सेठ जी, मजाक कर रहे थे। चल ठीक है जा। ओके ये हम ही रख ले। अरे लाना है जी सेठ जी, ठीक है। चल चल पापा चले गए, चल। हाय रब्बा इलू, मुझे इतना बड़ा डर लग रहा है यार। चुप कर बुलवा की, तू चुप कर। बाथरूम गए इलायची के पापा। अरे चल तेरी आउटर टेंशन दे रही है। चटंके भैया, ये गल्ले पे ताला तो नहीं लगा होगा ना? जी जी, गल्ले का ताला पहले से खराब हुआ पड़ा है, मुझे पता है। एक तो बात बात पे रो पड़ती है यार, खबर रखना पड़ती है जी जी, तो बात नहीं समझती। चटंकी भैया, पूरा भरोसा है मुझे आप पे, आप जल्दी से पैसे तो रखो। अरे जी जी, बड़ा दिल घबरा रहा है, मेरी हमेशा पैसे निकालने की आदत है, रखने की आदत ना है, दिल अलग अलग रिश्तेदारों के नाम पे गाली बक रहा है, मैं क्या बताऊं। आप पैसे रखो जल्दी से, चलो। चल चल भैया, कोशिश करता हूँ। ओहो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ बताओ। गले में से पैसे निकालना भूल गया।
तो तबाह के फूट गए। पहले ही कहता था मैं दूर रह से, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है और देख बदल लिया। चोरी कर ली ना गल्ले से, वो भी अपने ही गल्ले से। अरे चोरी करनी थी तो कहीं बाहर चली जाती। ओ जीजा, जीजी को उल्टी सीधी मत सका, अगर उसका मन कर गया तो तुझ पे और मुझ पे दोनों पे भारी पड़ जाएगी वो। इलायची के पापा, मैंने कोई चोरी नहीं की। अच्छा, तो तुम दोनों इतनी रात को दुकान में लहंगे सिलने गए थे क्या? इलायची के पापा, तुम गलत समझ रहे हो, मेरे तो भाग ही फूट गए। तेरे रोने का कोई असर ना होगा, तेरे आंसू तेरे पाप ना धो पाएंगे। देखो इलायची के पापा, मैं छटंकी भैया के साथ वहां पे पैसे चोरी करने नहीं गई थी, गले में 5,000 रुपए रखने गई थी, और ये बताने के लिए कि छटंकी भैया से पैसे निकालते नहीं है, रखते भी है। और मैंने अभी गला चेक किया, उसमें 5,000 रुपए कम। एक मिनट, यही है वो 5,000। ये क्या बकवास कर रहे हो यार, कम से कम अपनी बीबी पे तो भरोसा करो। अबे मेरी बीबी तेरी दीदी भी है, बात कर रहा है बेकार की। अरे अरे जीजा, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कह रहा हूं, मैं पैसे रखने गया था यार। खा ले मेरे सर की कसम, तू तो चाय दे आई है कि मैं अभी मर जाऊं और मेरे मरने के बाद मेरी दुकान तेरे नाम हो जाए। इलायची के पापा, अगर छटंकी भैया तुम्हारे सर की झूठी कसम खाते ना, तो मैं खुद इनका सर फोड़ देती। मैं तुम्हारे सर की कसम खा के कह रही हूं कि हमने चोरी नहीं की। तो फिर ये पैसे गए कहां? टंटन, सेठ जी पंचम। अबे हाँ हाँ, जो भी है तू नीचे। जी सेठ जी, क्या हुआ? सन, तूने गले से 5,000 रुपए चुरा लिए? नहीं सेठ जी, हमने कोई पैसे नहीं चुराए। क्या तुझे वो चाहिए थे ना, वो अपने तबूरा ठीक करने के लिए 5,000 रुपए? नहीं सेठ जी, हमने कोई पैसे नहीं चुराए, आप चाहे तो हमारी तलाशी ले लीजिए। अबे तलाशी तेरी मैं ना लूंगा, आप तलाशी लेगी पुलिस। क्या पापा? पापा, जीजा जी को कुछ नहीं पता है, उन्होंने पैसे नहीं चुराए। क्यों, तू क्या पुलिस हो रखी है, तुझे बड़ा पता है? मुझे पता है पापा, क्योंकि क्योंकि 5,000 रुपए मैंने लिए। तूने? तूने निकाले अपने गले से 5,000 रुपए? ऐसी कौन सी आफत आ गई थी? देखिए पापा, कोई जरूरी काम था। अरे तेरे जरूरी काम सब पता है मुझे, क्या खरीदना था? ड्रेस, पर्स, जूते? कहाँ उड़ाया ये मेरे 5,000 रुपए? बाप का नाम डुबोने के लिए पैदा हुई है क्या? अंकल जी, इलू की कोई गलती नहीं है, आप जानना चाहते हैं ना? आप जानना चाहते हैं इलू ने 5,000 रुपए कहाँ खर्चे? रहने दे यार, प्लीज मत बताओ। आइए चलिए मेरे साथ, मैं बताती हूँ आपको। चलो चल देखें। चलो आ, चलो देख लूँ। तूने देख ही लेते। अरे इलायची बिटिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपका शुक्रिया अदा कैसे करें। क्या चल रहा है ये, कोई बताएगा मुझे? और भाई साहब, आप मेरी बेटी को शुक्रिया क्यों कह रहे हैं? अच्छा, तो ये नेक बच्ची आपकी है, बड़े किस्मत वाले हैं मियां, अल्लाह ने ऐसी नेमत दी है आपको। नहीं अंकल जी, प्लीज प्लीज रहने दीजिए। अरे नहीं नहीं बेटा, आपके अब्बा को भी तो पता चले कि आपने कितना नेक काम किया है। आपके बिटिया ने इन गरीब और मजलूमों के लिए आज इफ्तार की दावत का इंतजाम किया है। आज के इस मतलबी दुनिया में बिना मतलब, बिना स्वार्थ के इतने लोगों के खाने का इंतजाम करना, और भी तब जब वो आपके मजहब के ना हो। बड़ा दिल चाहिए मियां, बड़ा दिल चाहिए।
डरू? देख रही है तू, आज आज इलायची ने मेरा सीना 42 से 50 कर दिया है। भले ही ये अपने स्कूल में पास ना हो पाई, लेकिन आज जिंदगी के इम्तिहान में फर्स्ट आई है ये। इलायची बेटा, आई एम प्राउड यू। पापा, आई प्राउड यू नहीं, आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा अंकल जी, चलो एक प्राउड वाली सेल्फी ले लेते हैं। अंकल जी सेल्फी। हाँ ले लो। आइए भाई, दबाव भी आ जाइए। अरे वाह, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, चलिए भाई साहब, अब हम लोग चलते हैं। अरे नहीं नहीं भाई साहब, ऐसे कैसे जाएंगे आप, आइए इफ्तारी कीजिए। अच्छा चलो करू, आ जाओ आ जा, आइए खाओ खाओ, चलो चलो चुपचाप खाओ, बदतमीज, चलो भाई जल्दी खाओ। हाँ अरे वाह 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 वाह, इलायची बेटा आज तूने बहुत बड़ा काम किया है। सुन, आज तुझे जो भी कुछ मांगना है मुझसे मांग ले। अब पापा प्लीज, आप मुझे 5,000 रुपए देंगे प्लीज प्लीज? ना ये ले 5,000। थैंक यू पापा, थैंक यू, डरा रही हो, डरा रहे थे मुझे। थैंक यू पापा। आजा आजा आजा, कुछ खा ले है। आज तो तुझे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये ले। वाह अबे हाँ। सर जी नहीं नहीं सुनो, देखो भाई ऐसा है, जिन्होंने रोजे रखे उनको पूरी तरीके से खाने दो, है? अब हम लोग चलते हैं भाई साहब। हाँ, चलिए ठीक। यार इलायची जी की शरारतें देख के कभी लगता नहीं है ना कि इतनी शरारती लड़की के पीछे इतनी समझदार इंसान होगी। हाँ मतलब यार जिस तरह से वो लोगों से बात करती है, उनकी मदद करती है, मतलब यार समझ रहे यार, दिल से जुड़ गया है यार उनके साथ। क्या भाई, मेरा मतलब ये है कि हम सबका दिल जुड़ गया है, हम सबका। हाँ ना ना कर कर, खुल के तारीफ कर ले भाई, मुझे कोई समस्या ना है। अरे मैं तेरी कोई सच्ची की बीवी थोड़ी हूँ जो तू किसी और औरत की तारीफ करेगा और मुझे दुख होगा। कर कर भाई, वो क्या ना कि अगर कोई तारीफ के लायक है तो मैं उनकी तारीफ कर देता हूँ, लेकिन तू बीवी होकर मेरे भाई किसी भी तारीफ के लायक नहीं है। तो भाई सुन, बातें बहुत कर रहा, मेरी बात सुन ले। तू जानता नहीं यार कितनी खतरनाक बीवियां होती हैं, अगर गुस्सा आ जाए ना तो अपने पति को या तो तकिए से मुंह दबा के मार देती है या फिर खाने में जहर मिला के मार देती है। सही बात है यार भाई, शुक्र है हम दोनों की शादी नहीं हुई यार भाई, दो दोस्त है साथ रहते हैं, इससे बढ़िया क्या बात है। ठीक है चल भाई रियाज करते हैं। अरे पेटी तो आ जाए, बिना पेटी कैसे रियाज होगा? गा तो ले। जीजाजी छत पर है। अरे अरे पेटी आ गई, पेटी आ गई। इलायची जी लाइए, ये लाइए। अरे अरे रे बाबा, ला ला। अरे अरे क्या बात है। जय माता रानी। जय जीजाजी जी, ये रही आपकी अमानत, बिल्कुल ठीक हो गई, इलाज हो गया इसका। क्या बात कर रही है इलायची जी, सच में? पर इलायची जी आपने इतना खर्चा क्यों किया? अरे मैं नहीं करती तो कौन करता, आखिर लालच है मेरा भी। अगर ये ठीक नहीं होगा तो हम आपसे गाना कैसे सुनेंगे? पर इलायची जी 5,000 रुपए काफी बड़ी रकम होती है। होती है, लेकिन यू फिकर नॉट। वो क्या है ना जीजा जी, कि एक एक रुपया सूद समेत वसूल लूंगी आपसे। अब इलायची जी, वैसे आपको एक बात कहना चाहते थे। इस बार जो आपने किया ना, उससे हमारे दिल में आपके लिए और भी ज्यादा इज्जत बढ़ गई। जीजा जी प्लीज, आप पे तारीफ वाला सूट नहीं करता है, आप रहने दीजिए। आप इलायची जी, सुनीता जी,
आज हम आप लोगों के बिना कहे आप लोगों को एक सुरीला सा गाना सुनाएंगे, वो भी अपनी मधुर मधुर आवाज से। क्या बात है, बिना कहे आजकल आप बड़ी मेरे दिल की बातें समझने लगे हैं टीचर जी। हैं जी? जी जी कुछ नहीं, सुनाइए सुनाइए। लाइफ में टंटे हो रखे हैं जी, आप टंटे गाएंगे? ओ माय गॉड, आप बैठिए बैठिए इलायची जी, आप बैठ जाइए, ये गाते हैं, लगाओ बढ़िया सा गाना सुनाओ शुरू अच्छे लगा के। थोड़ा पीछे हटके बैठ जाओ बब्बू। तुम मत बताओ बब्बू।